हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ जैक्स। तो और मेरे सामने रखा है Realme 2 Pro का 4GB वाला वेरिएंट। और यहां पे मैं आपको इसके बारे में, इस फोन के अंदर यूज होने वाले कुछ जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जो सीक्रेट भी हैं जिसपे आपने ध्यान नहीं दिया वो सारी, और हर एक चीज, उन सबको यहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं होम स्क्रीन से। तो ये इसका होम स्क्रीन है जो आपको आगे दिखता है, लेकिन इस साइड में आपको एक ऐप वॉल्ट मिलता है, सेम उसी तरह का जैसा कि रेडमी में डिवाइसेस में मिलता है और भी बहुत सारे डिवाइसेस में आपको मिलता है, ठीक है, जहां आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लाइक क्विक फंक्शंस कुछ दिए गए हैं, स्कैन डॉक्यूमेंट, फोटो ट्रांसलेट और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं यहां पे एक कुछ खास दिखाना चाहूंगा। स्कैन डॉक्यूमेंट बहुत अच्छा फीचर है, इसके हेल्प से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को जो है स्कैन कर सकते हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, ये पेपर है, पेपर पे कुछ लिखा हुआ है और ये देखो मैं इसे स्कैन करता हूं, ठीक है। तो ये देखिए, ये स्कैन हो गया और ऑटोमेटिक अरेंज होकर के इसको डॉक्यूमेंट फाइल में जो है क्रिएट कर देगा। यहां से आप पिक्चर में क्रिएट करके सेव कर सकते हैं और इसकी जो ब्राइटनेस क्वालिटी होगी वो ज्यादा अच्छी होगी और जो भी आप पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ट्रांसलेशन का, तो यहां पर ट्रांसलेशन वाला भी एक फीचर मिलता है जो कि यहां है, स्कैन एंड ट्रांसलेट। अब इससे आप कुछ भी चीज जो है स्कैन करते हैं तो आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। अब मतलब जो है ये सिर्फ इंग्लिश इंटू हिंदी और हिंदी इंटू इंग्लिश में ही बताता है, ठीक है, उसके आगे नहीं बताता है। इन द प्रोसेस, ओके, प्रोसेस ले लिया। एक्चुअली मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है और ये हिंदी इंटू इंग्लिश हो रहा है, इसको हम लोग इंग्लिश इंटू हिंदी कर देते हैं ऑप्शन को। अब ये जो है ये लेंस का जो मतलब है ये बता देगा और यहां पर आपको दिख जाएगा। इसके अलावा और अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो इसके अंदर और आता है स्कैन नेम कार्ड्स, तो किसी का भी नंबर आप यहां से जो है स्कैन कर सकते हैं QR कोड के थ्रू, ओके। उसके बाद कन्वर्ट करेंसी कन्वर्शन यहां से होगा आपका, और उसके बाद आपका जो एरिया है वहां का वेदर, आपका स्टेप काउंटर। दोस्तों स्टेप काउंटर एक बहुत ही अच्छा हार्डवेयर है, जैसे मेरे पास है मी बैंड 3, तो मी बैंड 3 स्टेप काउंट करता है ना, इसके अंदर स्टेप काउंटर यानी पैडोमीटर लगा हुआ है। तो इस डिवाइस के अंदर इनबिल्ट आपको पैडोमीटर देखने को मिल जाता है यहां पर, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है इस डिवाइस की जो मैं बता रहा हूं आपको। इसके अलावा आप यहां पे वन टैप कॉलिंग फेवरेट ऑप्शन चुन सकते हैं और भी बहुत सारे क्विक एक्शंस यहां से आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो आप देख लेना। उसके बाद ये होम स्क्रीन है, अगर आप होम स्क्रीन में इस तरह से स्लाइड डाउन करते हैं तो यहां पर आपको एक बॉक्स खुल जाएगा जहां आपके फोन में इंस्टॉल्ड सारे एप्स जो हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। उसके बाद अब आप बोलोगे कि भाई यहां पर जो है 1, 2, 3, 4 ऑप्शन आता है और नीचे के साइड में 5 ऑप्शन आता है, तो इसकी फॉर्मेट को भी आप चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। और इसके अंदर आप देखो, अगर आप रोमिंग में हो तो इसको यहां से इनेबल कर सकते हो और फिर इसके अंदर आप यहां पर बेसिक ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन कुछ और भी मिलता है। अगर आप यहां पर पिंच टू जूम को शॉर्ट फॉर्म में करो तो आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, और विजेट्स के अंदर अगर आप चले जाते हैं तो यहां पे आप नए नए विजेट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो आप चाहें, जो आपका फोन आपको अलाउ करता है। इसके अलावा आप यहां से इफेक्ट चेंज कर सकते हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट जो फोन का है आपके वो यहां पर चेंज हो सकता है, लाइक इस तरह से, तो आप जो है बहुत सारे इनेबल करके चेंज कर सकते हैं। अब क्या है कि इसमें डायरेक्ट वॉलपेपर सेट करने का ऑप्शन नहीं आता है, ये यहां पे इसके अंदर आपको दिक्कत मिलती है, लेकिन नहीं आ रहा है, अब आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था। जैसे ये एक इमेज है और मैं चाहता हूं कि इसको मैं अपने वॉलपेपर की तरह बना लूं, नहीं वो अच्छा इमेज नहीं, अच्छा इमेज देखते हैं हम, ठीक है। तो बहुत सारा इमेज है वैसे इसमें, हाँ मान लो ये इमेज मेरी एक है तो मैं इसे अपनी वॉलपेपर बनाना चाहता हूं, तो यहां से आप इसे अपना वॉलपेपर बना सकते हैं और ये इस तरह से, तो ये दोनों जगह के लिए या एक जगह के लिए, तो मैं होम स्क्रीन के लिए बना रहा हूं, ठीक है। अब होम स्क्रीन पे मेरी फोटो इस तरह से पीछे लग गई और कुछ यहां पे आपको देखने को नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं सेटिंग्स में, तो सेटिंग के वही सारे जर्नल ऑप्शन है यहां पर, इसका अपना क्या बोलते हैं इसको, शॉर्टकट्स है, इन शॉर्टकट को आप ऐड भी और एडिट भी कर सकते हो। यहां पे आप इतने सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जो आप चाहो इनेबल करके रख सकते हो, जिसमें बेसिक वाईफाई, मोबाइल डेटा, साइलेंट, ब्लूटूथ, फ्लैश, कैलकुलेटर, बूस्ट यानी कि क्लीनर, नाइट शील्ड, ये वही है नाइट शील्ड जो आपको येलोइश मोड के नाम से भी जाना जाता है और नाइट मोड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और Redmi Note 5 Pro के अंदर भी ये होता है रीडिंग मोड के नाम से, वो भी है नाइट शील्ड यहां पर नाम से दिया गया है। और ये है Realme Share यानी हॉटस्पॉट शेयरिंग में Realme Share नाम से आ रहा है शायद, मैं कंफर्म नहीं हूं, यही है शायद, हाँ। उसके बाद इसमें पोर्ट्रेट लॉक जो है, जो आपके स्क्रीन का पोर्ट्रेट मोड होता है कि स्क्रीन ना रोटेट करे, रोटेशन लॉक करने वाला सिस्टम, वो यहां पोर्ट्रेट लॉक नाम से आता है, यानी कुछ अलग अलग इन्होंने टाइमिंग सेट की है। क्विक टाइम इसके अंदर का एक फीचर है, जिसके क्विक टाइम, जिसके अंदर आप ना
पर्टिकुलर एप्स पे लॉक लगा सकते हो, यानी क्वाइट टाइम। जैसे मान लो कि रात में 10 बजे से आपका टाइम शुरू होता है क्वाइट टाइम। रुको मैं इसके अंदर लेके चलता हूँ आपको, ठीक है, बाद में चलूंगा। पावर सेविंग मोड है स्टार्ट, यहां से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं डायरेक्ट, गूगल असिस्टेंट को इनेबल कर सकते हैं, कीबोर्ड स्विच कर सकते हैं, पर्सनल हॉटस्पॉट, कैमरा, असिस्टिव बॉल, क्लॉक, वन हैंड मोड, मल्टी स्क्रीन और वन टैप लॉक स्क्रीन, स्मार्ट ड्राइविंग, नियर बाय, हर एक चीज आप इनेबल कर सकते हैं यहां से। तो मैं बताता हूं आपको क्विक टाइम के बारे में, ठीक है, क्वाइट टाइम के बारे में, सॉरी क्विक टाइम के बारे में, क्वाइट है, अरे बड़ा कंफ्यूजन हो गया, क्वाइट है। तो इसको आप इनेबल कर दो, इनेबल ऑटोमेटिक कर दो, ठीक है। उसके बाद ये आपका पूरा हफ्ते काम करेगा, स्टार्ट फ्रॉम 22 रात के 11 बजे से सुबह के 7 बजे तक वर्क करेगा। अब इसमें क्या होगा कि आपके सारे एप्स की नोटिफिकेशन बंद हो जाएंगे, मैसेजेस भी नहीं आएंगे, कॉल्स भी आएंगे सिर्फ फेवरेट नंबर के, आप यहां से ऐड और डिलीट कर सकते हो। ये मुझे एक बहुत सही फीचर लगा इस फोन का। अब सीधे मैं आपको सेटिंग में लिए चल देता हूं और देखता हूं कि यहां आपको क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स और ट्यूटोरियल जो भी है आपको मिलता है। तो एयरप्लेन मोड आप जानते हो, सिम कार्ड एंड सेलुलर की बात करते हैं, क्योंकि यहां पे कुछ चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस फोन के अंदर डेटा सेविंग मोड आपको मिल जाता है, ऐप यूजिंग वाईफाई और मोबाइल डेटा का ऑप्शन मिल जाता है, डेटा रिमाइंडर मिल जाता है कि कितना आप खर्च कर रहे हो। 1 GB का रिमाइंडर लगा दो, 1.5 GB का डेटा होता है, मतलब डेली सबको लगभग 1.5 या 2 GB। तो अगर आप 1 GB का रिमाइंडर लगा दो, तो 1 GB खत्म होने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन पॉपअप हो जाएगी कि भैया 1 GB खत्म हो गए और इस्तेमाल करना है क्या। तो ये अच्छा चीज है, आपको ज्यादा डेटा बर्बाद करने से रोक सकता है। अदर वायरलेस कनेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे पर्सनल हॉटस्पॉट, वाईफाई थेथरिंग, यूएसबी थेथरिंग, ब्लूटूथ थेथरिंग। ब्लूटूथ थेथरिंग जो है बहुत कम डिवाइस में अभी देखने को मिलता है, तो ये मुझे एक अच्छा, बहुत अच्छा फीचर मिला। और ये है डी लैन, यानी कि डिस्प्ले लैन या डेटा लैन, पता नहीं, लैन तो वो केबल वाला सिस्टम होता है और मुझे नहीं पता कि डी लैन यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ठीक है। प्लीज टर्न ऑन वाईफाई बिफोर यूजिंग वाईफाई डायरेक्ट एंड मल्टी स्क्रीन इंटरफेस। मल्टी स्क्रीन इंटरफेस के थ्रू आप जो है अपने स्क्रीन को कहीं और ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। खैर, आगे देखो नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, इसमें कुछ अच्छा है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा और आपको जरूर से देखना चाहिए। बैटरी परसेंटेज ऊपर इनेबल नहीं होती है, आप यहां से कर सकते हैं। रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, वो आप यहां से कर सकते हैं। अब ये जो यहां पे नेटवर्क स्पीड दिखाता है ना, ये एक्चुअली नेटवर्क स्पीड नहीं होता है, ठीक है, ये वो दिखाता है कि आप कितना स्पीड से डेटा कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। लाइक अगर आप कोई वीडियो डाउनलोड करने लगे तो ये 1-2 MBPS तक चला जाएगा, लेकिन अगर आप जर्नल सर्फिंग कर रहे होंगे तो 10-12 KBPS यहां शो करेगा। जैसे अभी के टाइम में ये 0-0 KBPS शो कर रहा है क्योंकि मेरा कोई डेटा खर्च हो ही नहीं रहा है। उसके बाद एक फीचर आपको इसके अंदर मिल जाता है, अलाउ नोटिफिकेशन बार इन लॉक स्क्रीन। तो ये जो मेरा यहां पे आप देखोगे ये स्क्रीन, ये मेरा लॉक स्क्रीन है, तो यहां पे मुझे नोटिफिकेशन दिखेगा या नहीं दिखेगा मैं अगर चाहूं तो वो फीचर आप यहां से इनेबल कर सकते हो। दूसरा है शो डेटा यूजेज एट द बॉटम, तो कितना हमने डेटा यूज किया ये ऊपर हमें शो करेगा यहां से इसे इनेबल करने के बाद, ठीक है। अब यहां पे आपको वो नहीं दिख रहा होगा, एक्चुअली नहीं इसलिए दिख रहा है कि मुझे नहीं पता, वो समटाइम्स दिखता है समटाइम्स गायब हो जाता है, यहां पर एक लाइन आती है तो यहां पे मुझे भी दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। दूसरा यहां पर देखोगे टर्न ऑन स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, यानी जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आपके फोन पे आता है आपकी स्क्रीन जो है वो ऑटोमेटिक लाइट अप हो जाएगी। तो ये भी एक अच्छी चीज है क्योंकि इसके अंदर जो है नोटिफिकेशन एलईडी लाइट नहीं दी गई है, तो उसके वजह से अदर अल्टरनेटिव दे दिए गए हैं जिससे कि आपका काम हो जाए। फिर यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है शो बैनर नोटिफिकेशन इन फुल स्क्रीन, तो जो बड़ा नोटिफिकेशन है वो फुल स्क्रीन पे दिखाई दे, ऐसा भी फीचर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन एडिटर बार में यहाँ पे मैनेज नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन आता है जिससे कि आप पर्टिकुलर एप्स पे लॉक लगा सकते हो कि उनका नोटिफिकेशन हमें नहीं देखना है। उसके बाद अगर आप डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में चलते हो तो ब्राइटनेस इसकी मैंने मीडियम पे कर रखी है, अगर आप ब्राइटनेस बढ़ा दो तो ब्राइटनेस इसकी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और यही दिक्कत था रियलमी 2 में कि उसमें ब्राइटनेस कम था, तो खैर यहां से आप इसको इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद यहां से आप कलर जो है चेंज कर सकते हैं, मैंने हल्का सा येलोइश किया हुआ था, अब मैं इसको डिफॉल्ट कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन लॉक जैसा मैंने बताया। उसके बाद ऑटो स्क्रीन ऑफ, यानी आप चाहते हो कि 10 सेकंड में 15 सेकंड में आपका फोन का स्क्रीन ऑफ हो जाए, या आप चाहते हो कि 30 मिनट के बाद स्क्रीन मेरा ऑफ हो, तो यहां पर वो फीचर्स आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। फॉन्ट साइज आप यहां से बढ़ा और घटा सकते हैं। ऐप डिस्प्ले इन फुल स्क्रीन, तो ये एक बहुत ही सही चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पे आप देखोगे तो फुल स्क्रीन डिस्प्ले अभी मेरा काम कर रहा है, यानी जो भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो सब कुछ यहां पे फुल स्क्रीन में वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसको यहां से ऑफ कर देता हूं और यहां ऑटो फुल स्क्रीन में आते हैं, और सॉरी ये कहां गया, हाँ, ऐप डिस्प्ले इन फुल स्क्रीन, तो ये इनेबल है,
टच स्क्रीन पैक डिफॉल्ट वाइट। उसके बाद एक और चीज है कि नॉच एरिया डिस्प्ले कंट्रोल, यानी नॉच की वजह से जो एप्लीकेशन को दिक्कत हो रही है या वो नहीं खुल पा रहा है तो आप उसको यहां से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो ये एक मस्त चीज है जो मुझे बहुत पसंद आई, लुभावनी। नाइट शील्ड, यहां पर जो मैंने बाहर दिखाया था वही यहां पर है। यहां से आप नाइट शील्ड के मतलब पूरे कंट्रोलर को कंट्रोल कर सकते हो और जबरदस्त बना सकते हो। मैंने देखा है, सच में बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर आप यहां पर हो गया डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, ठीक है। और आते हैं होम स्क्रीन एंड वॉलपेपर पर। तो होम स्क्रीन एंड वॉलपेपर, होम स्क्रीन का लेआउट मैंने बताया था कि आप 4:6 या 5:6 वाले फॉर्मेट पे भी सेट कर सकते हो। अब देखो ये 5:6 पे जब हो जाएगा तो यहां पे इस साइड में 5 एप्स आ जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5 और नीचे साइड में 6। तो ये आप यहां से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद वॉलपेपर भी यहां से लगा सकते हैं, बट वॉलपेपर अब बाहर से भी लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। साउंड एंड वाइब्रेट की बात करें तो यहाँ पे सब साउंड जो है इसका वो मीडियम किया हुआ था, मैंने सब बढ़ा दिया। अब देखो कितना ज्यादा आवाज है, मतलब सच में बहुत आवाज है, देख सकते हैं आप। साथ ही साथ आप यहाँ पर जो है मीडिया वॉल्यूम, यानी कि अपने हिसाब से भी कोई वॉल्यूम, सॉरी ये नहीं, रिंगटोन वॉल्यूम, हाँ अपने हिसाब से अगर आप कोई वॉल्यूम सेट करना चाहते हैं तो आप वो यहां से कर सकते हैं। रिंगटोन में जाना है, सेलेक्ट फ्रॉम फाइल्स में जाना है और अपनी उस फाइल को चुनना है जो आप रिंगटोन बनाना चाहते हैं, वो MP3 फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है। डायल पैड टोन, लॉक स्क्रीन टोन, वाइब्रेट टोन, रियल साउंड टेक्नोलॉजी, ये सब आप यहां से इनेबल कर सकते हो। रियल साउंड टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे ही आप इसमें कोई ईयरफोन कनेक्ट करेंगे तो आप यहां से रियल साउंड पावर को ऑन कर सकते हैं और इक्वलाइजर को खुद से सेट कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि वैसे में साउंड जो है अटक अटक के आती है तो क्वालिटी नहीं मिल पा रही है, ऐसा मैंने नहीं टेस्ट किया है। हेडफोन मोशन, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, जहां क्या होता है टर्न ऑन योर एंजॉय लाइव क्रोका एक्सपीरियंस रियल टाइम थ्रू योर हेडफोन। हेडफोन से काफी अच्छा जो है साउंड जो है सुनाई देगा इसको इनेबल करने के बाद। उसके बाद अगला आते हैं हम लोग, साउंड हो गया, क्विक बॉल्स पे आते हैं। क्विक बॉल ये अगर आप इनेबल कर देते हो, क्वाइट टाइम है। फिंगरप्रिंट एंड पासकोड में आते हैं तो यहां से आप लॉक स्क्रीन फिंगरप्रिंट इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, प्राइवेसी पासकोड इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, ऐप लॉक लगा सकते हैं, प्राइवेट सेफ आपको ये बहुत मस्त फीचर मिल जाता है, मैंने भी इनेबल नहीं किया है। अंदर जाऊंगा तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, वैसे भी 12 मिनट की हो चुकी है और ये वीडियो शायद 20 मिनट के आसपास की होने वाली है, तो मैं यहीं पर रुकता हूं, ठीक है। प्राइवेट सेफ जो है ये एक ऐसा फोल्डर है जहां आप अपने कोई भी डॉक्यूमेंट जो है छिपा के रख सकते हो और 6 या 8 डिजिट का पासवर्ड उस पर लगा सकते हैं। और ऐप लॉकर के अंदर आप अपने डेटा को लॉक कर सकते हो, मतलब ऐप को लॉक कर सकते हो और वो खुलेगा फिर डायल पैड में कोई नंबर डालने पर जो आपने यूज किया है। फेस डेटा मैंने अभी नहीं लगा रखा है बट फेस डेटा का क्वालिटी बहुत अच्छा है, इसका फिंगरप्रिंट भी सही है, उन सब में मुझे कोई दिक्कत कहीं पर से समझ में नहीं आती है। स्मार्ट एंड कन्वीनियंट इसका ऑप्शन है, प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन 0.57 फॉर बैकअप असिस्टेंट। गूगल असिस्टेंट के लिए ये है, नेविगेशन कीज आप जो है यहां पे चेंज कर सकते हो, लाइक के पुराने फोन जो आप यूज कर रहे होगे पहले के अपने, तो वो इस फॉर्मेट पे नहीं होगा, ठीक है, वो इस फॉर्मेट पे होगा, तो हम इसे यहां से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा वर्चुअल नेविगेशन की कैन बी हिडन, हम वर्चुअल नेविगेशन की को हाइड भी कर सकते हैं। स्वाइप अप गेस्चर हम यहां से इनेबल कर सकते हैं और मैं यही खोज रहा था कि इस फोन में स्वाइप अप गेस्चर क्यों नहीं है यार, तो अब वो मिल गया है। अब मिल गया है तो वो कैसे वर्क करेगा, एक तो ये है बैक एट द बोथ साइड, यानी स्वाइप अप टू गो बैक और स्वाइप अप टू गो होम स्क्रीन, बीच में अगर करो और कोने पे करोगे तो बैक हो जाओगे और एकदम बीच में क्या है 1 सेकंड स्वाइप अप एंड होल्ड दी टू व्यू रिसेंट टास्क, एक ये ऑप्शन है जो कि लंबा गेस्चर है। दूसरा है इजी गेस्चर, सिंपल गेस्चर, स्वाइप अप टू गो होम स्क्रीन, स्वाइप एंड होल्ड टू व्यू रिसेंट एप्स। तीसरा है बैक टू द राइट, बैक टू द लेफ्ट और ये सारे जो है बैक ऑन फ्लिप्ड और हाइड गेस्चर गाइड बार। उसके बाद मिस टच प्रिवेंट, यानी कि एक फालतू टच जो अगर हो जाता है तो उसको वो यहां से डिटेक्ट कर लेगा, तो ये भी मुझे मस्त फीचर लगा, यानी कि अगर आप फोन को फुल स्क्रीन डिस्प्ले बनाना चाहते हो तो वो आप यहां से बना सकते हैं। उसके बाद लगता है मैंने उसे ऑन कर दिया, नहीं हाँ ऑन कर दिया शायद, नीचे के बटन मेरे गायब हो गए, चलो सही है। आगे देखेंगे हम लोग यहां पर स्मार्ट एंड कनेक्टेड, सिक्योरिटी हो गया। सिक्योरिटी के अंदर आपको यहां पर जो है फ्लोटिंग विंडो का एक ऑप्शन मिलता है जिससे कि आप कुछ खास एप्लीकेशन के फ्लोटिंग विंडोज ऑन और ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो है यहां पर प्रोटेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन मिलता है जहां कि आप अपने कॉल हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट्स, मैसेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन व्हेन योर ऐप
When an app tries to read and follow personal information, system provide empty information and real-time information leaks. ऐसे में क्या होता है कि देखो कोई कोई एप्स आप इंस्टॉल करते हो लाइक फेसबुक, तो वो आपके कॉन्टैक्ट की परमिशन मांगता है ताकि वो आपके फोन के अंदर घुस के सारे कॉन्टैक्ट स्कैन करके देख सके कि कितने लोग फेसबुक चला रहे हैं और आपको नोटिफिकेशन शो कर सके कि आपके कॉन्टैक्ट में ये बंदा है जो फेसबुक चलाता है और आपने इसको फ्रेंड नहीं बनाया है, ठीक है। तो उस चीज को जो है यहां से आप रोक सकते हैं, तो ये भी एक कहीं ना कहीं अच्छा फीचर ही है इसका। उसके बाद है फाइंड माई डिवाइस, अगर आपका फोन खो जाता है तो ये, वैसे ये सब काम वाम नहीं करता है, मतलब एक्चुअली में नहीं कोई फायदा होता है। पेमेंट प्रोटेक्शन का एक ऑप्शन है यहाँ पर, जिसके अंदर पेमेंट वाले आप ऐप को यहाँ पर डाल दो तो वो सही हो जाता है। उसके बाद है एंटी हैरेसमेंट एंड फ्रॉड, तो ये बिल्कुल उसी तरह है, मतलब स्पैम कॉल वगैरह को डिटेक्ट करेगा और जिसको आपने ब्लॉक कर दिया वो सब यहां आ जाएंगे। फेक बेस कॉल्स जो है, फेक बेस स्टेशन ब्लॉकिंग, ये सब सारी चीजें वही है, मतलब फाइल। और हाँ, ये अच्छा चीज है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन नंबर्स, ठीक है, और ये भी अच्छा है। अच्छा मतलब ये 50% ही वर्क कर पाता है, तो कस्टमर केयर वगैरह के नंबर को डिटेक्ट कर लेता है। ऐप लॉक, ठीक है, ऐप को लॉक लगाने वाला ये पुराना चीज है, मैं आपको आगे भी दिखा चुका हूं। किड्स स्पेस, ये मस्त चीज है, फोन आपके घर में बच्चे छूते हैं, अब लोग टिकटॉक जैसे सॉफ्टवेयर चलाते हैं जो कि कहीं ना कहीं 18+ वीडियोज भी अवेलेबल होते हैं वहां पर, तो मतलब ऐसा सीन है कि आप पर्टिकुलर ऐप पे लॉक लगा सकते हो कि बच्चे वो ऐप ना चलाए। लाइक मैं एक YT वीडियो क्रिएटर हूं, तो मैं अपना फोन किसी को नहीं देता हूं एक्चुअली, इसलिए क्योंकि उसमें मेरा यूट्यूब स्टूडियो और मेरा यूट्यूब चैनल लॉगिन होता है। तो ऐसे में अगर कोई बंदा मेरे चैनल के थ्रू किसी वीडियो के साथ खिलवाड़ करेगा किसी और की, तो वो मेरे लिए रिस्की हो सकता है। लाइक अगर कोई बंदा मेरे प्लेलिस्ट में किसी और वीडियो को ऐड कर देता है किसी और की, तो मुझे वो बंदा सामने वाला स्ट्राइक दे सकता है कि ये बंदा मेरी वीडियो को अपने प्लेलिस्ट में क्यों डाल के रखे हुआ है। तो ये सब तब होता है जब कोई बच्चा आपका फोन छूता है, तो मैं अपना फोन किसी को भी नहीं देता हूं। मेरे फोन बस 2-3 लोग ही छू सकते हैं, लाइक जेट ज्योतिष गुडविन और मेरा भाई और मेरा दोस्त शहबाज, इसके अलावा मैं किसी को नहीं देता हूं फोन, ठीक है। तो यहां पर जो है इस फीचर के थ्रू आप सबको फोन दे सकते हो और फोन की जो है सेफ्टी बढ़ जाएगी, मतलब जो ऐप की परमिशन होगी वो वही चलाएंगे। प्राइवेट सेफ में बता चुका था, यहां पर भी वही आ रहा है और इसमें यहां पे कुछ नहीं है सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी के बाद आगे हम बैटरी में चलते हैं, तो बैटरी पावर सेविंग मोड अगर आप ऑन रखते हो तो आपका जो बैटरी लाइफ है वो अच्छा हो जाएगा। स्मार्ट पावर सेविंग रिकमेंडेड है, इसको भी आप बंद कर दो तो बैटरी ड्रेन जो है थोड़ी फास्ट हो जाएगी। पावर कंजम्पशन डिटेल, स्मार्ट पावर फेसिंग, शो बैटरी परसेंटेज ऑन स्टेटस बार, ये सब आप यहां से इनेबल डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। और यहां पर भी मेरे पास 95% बैटरी है, वीडियो बनाने जब मैं स्टार्ट किया था तो 100% बैटरी थी, यानी कि 5% बैटरी 17 मिनट में डाउन हुई है यहां पर अभी मेरे यूज में। खैर, बैटरी टेस्ट भी जल्दी आएगी, बैटरी हो गया। उसके बाद लैंग्वेज एंड रीजन, ये तो आप जानते ही हो, यहां से आप चेंज कर सकते हो, बट चेंज कौन करेगा, ये सही ही रहता है। सॉफ्टवेयर अपडेट्स आप यहां से चेक कर सकते हो, एक अपडेट मेरे पास आया हुआ है जिसे मैंने अभी तक अपडेट नहीं किया, मैं करूंगा और फिर उस पर भी एक वीडियो आएगी। अबाउट फोन के अंदर आप अपने फोन के सारे डिटेल्स देख सकते हो कि आपके फोन में क्या है, नहीं है, कैसा चल रहा है, हर एक चीज, ठीक है। उसके बाद अकाउंट इन्फॉर्मेशन, यहां से आप अपना ऐड और रिमूव कर सकते हो, अकाउंट जो भी आपने इसके अंदर ऐड किया हुआ है गूगल के अंदर जाकर के आप अपना चेक कर सकते हो। और यहां पे है ऐप मैनेजर, यहां से आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका आता है क्लोन ऐप, डुअल ऐप वाला जो फीचर है और क्लोन ऐप दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक आज के टाइम में बहुत खास जरूरत बन चुका है लोगों के लिए कि लोगों को हर सॉफ्टवेयर की जो है एक क्लोनिंग चाहिए होती है, क्योंकि लोग आजकल डबल अकाउंट यूज करते हैं। खुद मेरे पास 5 व्हाट्सएप है, सोच लो, तो ऐसा कुछ है। उसके बाद आपको यहां पे देखो देखने को मिल जाता है गेम स्पेस। गेम स्पेस एक अच्छा चीज है उन लोगों के लिए, यानी कि गेमर लोगों के लिए जो गेम खेलते हैं, अगर आप इसको इनेबल करके रखते हो तो गेम खेलते वक्त जो है पूरा प्रोसेसर फोकस करेगा कि आपके गेम को ज्यादा से ज्यादा रैम की और प्रोसेसर की स्पीड मिल सके। साथ ही साथ अगर कोई कॉल या मैसेज वगैरह आता है तो उसको इतना छोटे तरीके से और इतने जल्दी दिखा के भगाएगा कि जो है आपको पता भी ना चले। जैसे यहां पर देखोगे आप गेम इंजिन, इंप्रूव गेमिंग परफॉर्मेंस थ्रू कस्टम ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बोथ द गेम ऑफ योर फोन, स्मूथनेस ऑप्टिमाइजेशन, नेटवर्क प्रोटेक्शन, आंसर कॉल विथ इजी, ठीक है। ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको बोली, वो इंग्लिश में लिखी हुई थी। उसके बाद आता है एप स्प्लिट स्क्रीन, यानी कि एक स्क्रीन में दो स्क्रीन, ठीक है, और साथ ही साथ फिंगरप्रिंट वाला, 3-डॉट फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन।
अब यहाँ पर एक और चीज है जो मैं इस पेज में नहीं दिखा पाऊंगा, अगले पेज में दिखाऊंगा, रुको तुरंत दिखाऊंगा। उसके बाद आता है सिस्टम ऐप। तो सिस्टम ऐप को आप डिलीट वगैरह नहीं कर सकते हो, वो एज इट इज रहता है, तो यहां से आप उन सब चीजों को देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं लॉन्ग स्क्रीनशॉट कैसे लेना है। तो स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे, लॉन्ग स्क्रीनशॉट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप इस पेज को जितना नीचे तक लेके जाएंगे उतना तक का ये सेव करेगा, और यहां डन कर दो, और जनरेटिंग शॉट, ये लंबा वाला शॉट यहां से बन गया। तो ये भी जो है मुझे एक अच्छा फीचर देखने में लगा, मैं इसे यहां से डिलीट कर देता हूं। ओके, और ये बैक। तो ये सारी फीचर्स थी जो आपको आपके रियलमी 2 प्रो के अंदर देखने को मिलेगी। और यहां पे मैंने गेस्चर ऑन कर दिया है, ये देखो इस तरह से। अभी देखो नीचे के जो सॉफ्ट बटन थे, फिजिकल नहीं वर्चुअल बटन जो थे, उनको मैंने हटा दिया। बीच में मैं ऐसे उठाऊंगा कस के, तो मेरा जो है होम स्क्रीन खुल जाएगा। ठीक है, रुक जाओ, अभी इस पे मेरा प्रैक्टिस नहीं हुआ है। साइड में अगर करूंगा तो बैक हो जाएगा, और इधर साइड में करूंगा तो भी बैक हो जाएगा। अभी ठीक से काम नहीं कर रहा, मुझे इस पे प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ये सारी चीजें थी जो आपको इस फोन में देखने को मिलती है, जिसको आप यूज कर सकते हैं, और जो मैंने आपको बताई टिप्स एंड ट्रिक्स ट्यूटोरियल, हर एक चीज इस फोन के अंदर जो आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पे। अब मुझे नहीं लगता कुछ बचा है, एक्चुअली मैंने जो है पूरा होमवर्क किया था इसके ऊपर। ये देखो इतनी सारी चीजें लिखी हुई थी जो मैंने आपको पढ़ के बता दी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाइए ताकि आप देख सके वीडियो सबसे पहले। और आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो यार फिर से बोल रहा हूँ, लाइक कर देना।